हेलो फ्रेंड्स, मैं देवीशु। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं मोस्ट ऑफ आधे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, आधे व्यूअर ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीटेटिव एग्जाम जो होती हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम पीरियड जो है बहुत कम बचा है। कम टाइम पीरियड के अंदर अपन कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं वही पढ़ सकते हैं। तो वो लिमिटेड चीज़ें जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होती हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक से मोस्ट ऑफ दिल्ली एम्स जो है या अदर एम्स जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आप उन टॉपिक्स का डिस्कशन करूंगा। एटलीस्ट जो भी गाइड आपके पास है वही टॉपिक जो है आप मोस्ट ऑफ कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अपन सब कुछ है वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकें। बहुत कम टाइम जो है वो अपना एग्जाम का भी बचा है। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वहाँ वहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस अपन अभी इस क्लास में करेंगे। तो बात करते हैं एक एक टॉपिक की। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, पहला टॉपिक जो बात करें इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है कम से कम भी 20 to 30 इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं जहाँ से भी आपको मिलते हैं, जिस भी गाइड में आपको मिलते हैं, जिस भी यूट्यूब चैनल पे आप मिलते हैं, वहाँ आप डेली जब भी आपके पास खाली टाइम होता है कंटिन्यूसली फोकस जो है इमेज बेस पे नहीं करना होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कंटिन्यूसली इमेज बेस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इमेज बेस क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि अगर इमेज अपने को दी हुई होती है तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि अपन उस क्वेश्चन को गलत करते हैं। मीन्स अगर 25 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली जो है वो सही कर दोगे। वो या तो ये रीजन होता है कि वो डायग्राम अपना देखा हुआ नहीं होता, बट ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर होता है, जो राइट ऑप्शन होता है, उसके अलावा जो तीन ऑप्शन दिए हुए होते हैं वो तीन डायग्राम अपने देखे हुए होते हैं। तो इन तीन को अपन कट करके किसी एक को चूज कर सकते हैं। कई बार आइडियली जो नाम से ही पता लग जाता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस काम में आएगा, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करें। बट कंटिन्यूसली ये नहीं कि सारे वीडियोज देख रहे हैं सब सारा फोकस इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन की बात करें जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो है ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। यानी कुछ फिक्स फॉर्मूला है, सिर्फ तीन फॉर्मूला ड्रग कैलकुलेशन के होते हैं, तीनों फॉर्मूला अपने को क्लियर कर लेने। वीडियो भी ड्रग कैलकुलेशन पे डाला हुआ अपने चैनल पे भी, आप देख सकते हैं। तो ड्रग कैलकुलेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन जो है ड्रग कैलकुलेशन के हर बार दिल्ली एम्स पूछता है। तो आपको ड्रग कैलकुलेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कौन सा ड्रो फैक्टर कितना होता है, माइक्रो ड्रिप सेट का कितना होता है, मैक्रो ड्रिप सेट का कितना होता है। हर एक डाटा अपने को कन्वर्ट करने आने चाहिए। ग्रेन के अंदर है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ml के अंदर है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, mg को kg के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, kg को mg में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसीलीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। सभी यूनिट के इक्वल कौन सी यूनिट होती है वो अपने को हर एक चीज़ जो है वो माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए, तभी अपन ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं। कितनी अपने को अवेलेबल डोज है, कितनी अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी है, सारी की सारी चीज़ें जो फॉर्मूला के अंदर रखनी होती है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी होती है, ये वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इनके बिना पेपर जो है बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड वन क्वेश्चन की, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट में आता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस मीन्स आपको ABC की वैल्यू दी हुई होती है, आरटीएल ब्लड गैसेस एनालिसिस की, कितनी PCO2 है, कितनी O2 है, कितने बाइकार्बोनेटाइन है, कितनी उसकी pH है, उसके आधार पे अपने को एसिडोसिस या एल्कलोसिस कौन से टाइप का, रेस्पिरेटरी कि मेटाबॉलिक है, ये बताना होता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एसिड बेस बैलेंस से कम ABC की 3 से 4 रिपोर्ट अपने को दी हुई होती है। तो अपने को उस बेसिस पे पता करना होता है कि एसिड बेस बैलेंस जो है वो कौन से टाइप का एसिड बेस बैलेंस हो रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एक एग्जाम में, ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर ये क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं आता है। इसके अलावा अगर बात करें, ये वो फिक्स क्वेश्चन है जो आएंगे आएंगे एग्जाम में, इनके बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है वो नहीं बन सकता है। इसके अलावा बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो इनके अलावा भी पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो कई बार क्वेश्चन आते हैं नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अब नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन जो है वो कैसे सोल्व किए जाएँ,
तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे देखने को मिलेंगे कि नर्स किस चीज़ को प्रायोरिटी देगी। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि दो ऑप्शन तो अपन ऑटोमेटिकली जो है वो इग्नोर कर देते हैं, ये दो ऑप्शन तो आने नहीं। कई बार दो ऑप्शन में अपन उलझ के रह जाते हैं, कई बार चार ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन रहता है। और ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन के अंदर चार ऑप्शन दिए गए, चारों के चारों नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने को बताना होता है कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर प्रायोरिटी की बात कही जाए तो जनरली लोग काम में लेते हैं ABC का फॉर्मूला, यानी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ABC का फॉर्मूला किसके बेसिस के ऊपर बनाया गया है? लीथल इफेक्ट के ऊपर बनाया गया है। लीथल इफेक्ट का मीन्स ये मान के चल सकते हैं आप कि ऐसा कौन सा रीजन है जिससे पेशेंट की इमीडिएट जान जा सकती है, उस केसेस को नर्सेज हमेशा प्रायोरिटी देगी। कई केसेस के अंदर ABC जो है प्रायोरिटी नहीं भी रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आया हुआ भी है कि एक बर्न का क्लाइंट है और बर्न के क्लाइंट के अंदर जब भी नर्स वार्ड में एंटर हुई है, किसी भी केस के अंदर पेशेंट को उन्हें जलता हुआ देखा, पेशेंट बर्निंग फायर ऑन फायर पे था, तो उस कंडीशन के अंदर नर्स की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन आता है पेटेंट एयरवे, टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे। और अपन तीन ऑप्शन जो पढ़ते नहीं है, एयरवे को टिक कर देते, वो गलत हो जाता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में ये भी लिख रखा है कि पेशेंट को अवे करो फायर ऑब्जेक्ट से, जिस भी ऑब्जेक्ट से वो जल रहा है उसको उसे दूर करो। तो नर्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ एयरवे देखना नहीं होगा, वहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? उस फायर ऑब्जेक्ट से उसको दूर लेके जाओ। ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा, मीन्स अपने को चार ऑप्शन तो क्लियरिफाई करने ही करने। तो जिस भी ऑप्शन को देख के आपको ये लगता है कि ये अगर इमिडिएटली काम नहीं हुआ तो पेशेंट की जान जा सकती है, नर्स सबसे पहले वही काम करेगी। सेकेंड वन थिंग, कई बार ऐसा होता है कि पोजीशन चेंज करना है, केयर देना है, ऐसा कोई भी अगर पॉइंट आता है, उससे पहले अगर आपको लगता है कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर करवाना आ रहा है, तो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करवाना काम जो है वो नर्स का है, बट वो डायरेक्टली बिना ऑर्डर के मेडिकेशन जो वो नहीं दे सकती, तो वो एक नर्सेस प्रायोरिटी का पार्ट नहीं है। मीन्स सबसे पहले आपको ऑप्शन चूज करना है कि नर्स के फंक्शन क्या है। केयर देना ही नर्स का फंक्शन है, मेडिकेशन देना नर्स का फंक्शन नहीं है। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी तो एडमिनिस्टर जो है वो नर्स करवा सकती है, बिना एज ए ऑर्डर नर्स कुछ भी नहीं दे सकती। तो प्रायोरिटी अपने को किसको देनी है? केयर को प्रायोरिटी देनी है कि वो कौन सी केयर है जिससे पेशेंट की जान बच सकती है। उसी के बेसिस के ऊपर अपने को नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन जो है वो चूज करने हैं। तो सबसे पहले यही दिमाग में रखना, चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा काम जो है अगर नर्स नहीं करेगी तो पेशेंट की जान जा सकती है। जैसे पेन हो रहा है, पेन से कभी पेशेंट की जान नहीं जा सकती। एयरवे ब्लॉक हो गया, एयरवे से पेशेंट की जान जा सकती है। तो अपने को प्रायोरिटी देखना है कि कितनी भी डिग्री का पेन क्यों रहा हो, पेन की वजह से आदमी जो है मर नहीं सकता। एयरवे ब्लॉक हो गया तो पेशेंट की जान जा सकती है, इसलिए अपने को प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है वो यहाँ से अपने को डिनोट करना है। जनरली फॉर्मूला मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ABC जो है वो काम में लिया जाता है। अब नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चन के बाद में बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है EDD की रिगार्डिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कि अपने को किसी भी पेशेंट का या किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का LMP दिया होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट दी हुई होती है, उसको पता करके अपने को EDD निकालनी होती है। तो जो भी नेगले का फॉर्मूला है वो अपने को याद होना चाहिए कि का फॉर्मूला है और किसके बेसिस पे अपन EDD निकालेंगे। यानी लगभग यही फॉर्मूला होता है कि 9 months + 7 days अपन ऐड करते हैं। तो अपने को ये रटा क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम के अंदर EDD जो है पूछी जाती है। EDD के साथ साथ जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है ऑब्स्टेट्रिक स्कोर का। ऑब्स्टेट्रिक स्कोर का मीन्स क्या है कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको कितनी डिलीवरी हो चुकी है, कितना बच्चे उसके अबॉर्ट हो चुके हैं, उसके बेसिस के ऊपर सारे डाटा अपने को दिए हुए होते हैं। उन डाटा के बेसिस के अपने को GTPEL स्कोर होता है वो बताना होता है। तो ये एक एग्जाम का इम्पोर्टेंट MCQ है कि लगभग एग्जाम के अंदर GTPEL स्कोर जो है वो पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, बार बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। तो आपको GTPEL स्कोर की रियल होना चाहिए कि ग्रेविडा है वो किसके लिए काम में लेंगे, टर्म किसके काम में लेंगे, पेरिटी जो है किसके काम में लेंगे, अबॉर्शन किसके काम में लेंगे, लाइफ बर्थ जो है किसके लिए काम में लेते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। कई बार अगले को अपना फंसाता है तो वो यहाँ फंसाता है कि एग्जैक्ट वीक दे देता है, 38 वीक है,
अब इसको प्री टर्म में काउंट करोगे कि टर्म में काउंट करोगे, प्रेगनेंसी जो है वो ट्विंस हैं, ग्रेविडा एक लोगे कि दो लोगे, तो ऐसी चीज़ें अपने को क्लियरिफाई होनी चाहिए कि ग्रेविडा जो है उसको एक कंसिडर करना है कि दो कंसिडर करना है। तो ऐसे देख के अपने को GTPL स्कोर जो है वो क्लियरिफाई करना है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक स्कोर के अलावा बात करें तो कुछ स्कोर और भी हैं, जैसे GCS स्कोर है, ग्लास को कोमा स्कोर है। साथ साथ आप ये चीज़ें लिखते रहें और यही टॉपिक जो है रिवाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं। GCS के अंदर भी अपने को ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ें दे दी गई कि एक पेशेंट है जो अपने, पहली बात तो GCS होता है किसके लिए, ये अपने को याद होना चाहिए कि कॉन्शियसनेस को लेवल को चेक करने के लिए करते हैं। सेकेंड वन थिंग, अपने को पूरा डाटा देगा, एक पेशेंट है जिसके पास गए, पेशेंट के पास जाने के बाद ये देखा, ये पेन स्टिमुलस दिया, उसका ये रिस्पॉन्स था, आई ओपनिंग के लिए बोला या पेन से उसकी आईज खुली, सारे डाटा अपने को दिए हुए होंगे, उन सभी को जोड़ जोड़ के अपने को क्या बताना है, GCS स्कोर बताना है। नॉर्मल GCS स्कोर कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी चाहिए। तो स्कोर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, GCS के ऊपर आ जाएगा, चाहे ऑब्स्टेटिकल स्कोर के ऊपर आ जाएगा, इसके अलावा बात करें तो अपगार स्कोर के ऊपर भी आता है। अपगार स्कोर की बात करें तो अपगार स्कोर का मीन्स होता है, अपगार स्कोर अपन किस लिए करते हैं, न्यू बॉर्न की वेलबींग देखने के लिए करते हैं। तो इसके अंदर भी अपने को दिया होगा कि बच्चे के एक्सट्रीमिटीज हैं उनका कलर ऐसा है, उसकी रेस्पिरेशन रेट इतनी है, उसकी हार्ट रेट जो है वो इतनी है, उसकी मसल स्टोन जो है ऐसी हैं, तो पर्टिकुलर डाटा दिए होते हैं, उन डाटा को जोड़ जोड़ के कि ये 2 मार्क्स कैरी करेगा कि 1 मार्क्स कैरी करेगा, ऐसे देख के कि 0 मार्क्स कोई मार्क्स ही नहीं देना, उसके बेसिस पे अपने को अपगार स्कोर जो हो बताना होता है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से अपगार स्कोर पूछा जाता है। इसके अलावा एक और स्कोर की बात करें तो एक स्कोर होता है बिशप स्कोर, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिशप स्कोर मीन्स प्रेगनेंसी जो लेबर होता है उसकी रेडीनेस के लिए कब डिलीवरी होनी है, तो कौन से स्टेशन पे बच्चा है, कैसा उसका एंगेजमेंट है, कौन सी उसकी पोजीशन है, उसके बेसिस के ऊपर अपने को बिशप स्कोर भी बताना होता है। तो ये स्कोर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली रह जाएंगे, तो ये वो पार्ट है जो अपने को डेफिनेटली कवर करने हैं अभी, क्योंकि टाइम इतना ही बचा है कि अपन पूरी ब्रॉड लेवल पर स्टडी जो है वो नहीं कर सकते, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एटलीस्ट उनको तो कवर किया जाए। चलिए इसके अलावा और क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं अपन, और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, एक टॉपिक है एंटीडोट। एंटीडोट पे एक या दो क्वेश्चन तो पक्के 100% हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंटीडोट मोस्ट ऑफ जो दिल्ली एम्स में पूछा गया है, हिपेरिन का एंटीडोट पूछते हैं, रेसिटामोल का एंटीडोट पूछते हैं, वारफेरिन का पूछते हैं, डिजॉक्सिन का एंटीडोट पूछा जाता है। तो ये एंटीडोट जो हैं वो अपने को मोस्ट ऑफ एंटीडोट 15 से 20 एंटीडोट होंगे इंपॉर्टेंट, जो अपने को देखने कि किसी भी ड्रग का एंटीडोट अपने को पूछा जा सकता है। अगर आपके पास टाइम पीरियड कम है तो इसी तरीके से लिमिटेड स्टडी अपने को करनी होगी अगर अपने को सक्सेस पानी है तो। तो एंटीडोट जो है वो क्या है, हर एक ड्रग के एंटीडोट अपने को देखने। इसके अलावा कुछ ड्रग जो है, जो पर्टिकुलर ड्रग है उनके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछ जाते हैं, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट या उन ड्रग का नॉर्मल लेवल पूछा जाएगा या वो ड्रग कब बंद करनी है ये पूछा जाएगा। उन ड्रग्स के अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जैसे जोक्सिन पूछ ली, मॉर्फिन पूछ ली, एस्प्रिन पूछ ली, पैरासिटामोल हो गई, लिथियम हो गई, मैग्नीशियम सल्फेट हो गई, ये ही इंपॉर्टेंट ड्रग बार बार रिपीट होती है, इनमें से कोई भी ड्रग जो है वो आपको देखने को मिलेगी, हिपेरिन हो गई। इनके अलावा जो ड्रग्स हैं उन पे फोकस जो है कम किया जाता है। कुछ एंटीसाइकोटिक क्वेश्चंस पे ड्रग आते क्वेश्चन आते हैं, कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो देने से पहले क्या चेक करना है, उसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है, या ड्रग ऑफ चॉइसेस कि ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली। फार्मा में इसके अलावा क्वेश्चन जो अराइज नहीं होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली कि पर्टिकुलर केसेस के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है। ड्रग ऑफ चॉइस के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, अपने भी चैनल पर मिलेगा, कहीं से भी आपको PDF भी मिलती है, तो आप जो ड्रग ऑफ चॉइस इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ देखिए कि क्वेश्चन 100% कहाँ से पूछा जाएगा, किस ड्रग की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ ड्रग ऑफ चॉइसेस जो हैं वो आप एटलीस्ट जो एक बार मेमोराइज करके रखें, रिमेंबर करके रखें, उनको रिपीट करें बार बार कि कौन कौन से केसेस में कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइसेस जो हैं वो होती हैं। तो ड्रग के ऊपर क्वेश्चन जो है मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा जाएगा या ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाएगी या किसी भी दवाई का एंटीडोट पूछा जाएगा, एट्रोपिन का एंटीडोट भी बार बार पूछा जाता है, माइस्थेनिया ग्रेव्स के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस करना है। चलिए बात करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और इम्पोर्टेंट की बात करें तो क्वेश्चन आता है
वाइटल साइन के ऊपर। तो वाइटल साइन की बात करें, वाइटल साइन पे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? देखो, ब्रॉड क्वेश्चन जो होते हैं, थ्री लाइनर फोर लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, उन पे अभी का टाइम पीरियड देखते हैं, अपने को फोकस कम करना है। वो सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं, और कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन अगर अपना कंसेप्ट क्लियर है, अपने लॉन्ग टर्म से स्टडी कर रहे हैं, तो किसी भी कीमत पर वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चांसेस रहता है उन क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन अपने क्लियर हैं, जिनकी वैल्यू अपने को क्लियर है, वो क्वेश्चन जो हैं वो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अपनी वैल्यू जो है नॉर्मल वैल्यू, नर्सिंग में इतनी वैल्यू है कि सारी वैल्यू अपनी याद नहीं रख सकते, तो वो वैल्यू माइंड से स्लिप होने का चांसेस बहुत बार रहता है। पूछी गई सोडियम की वैल्यू लिख रहे हैं, पोटेशियम की पूछी गई है, पोटेशियम की दिमाग में आ रही है, कैल्शियम की, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वैल्यू पूछी गई है, क्रिएटिनिन की उतना ही वैल्यू लगभग बिलीरुबिन का होता है, दिमाग में बिलीरुबिन आ रहा है, तो अपने को वैल्यू क्लियरिफाई करनी है। जितनी भी नॉर्मल वैल्यू है, ये स्टडी का पैटर्न होता है कि नॉर्मल वैल्यू सारी की सारी अपने को एक पेज भी होनी चाहिए, उसके बाद अपन नॉर्मल वैल्यू जो है क्लियरिफाई करें। तो वाइटल साइन के ऊपर क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, नॉर्मल वैल्यू पूछी जाएगी, साइट पूछी जाएगी, पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग थर्मामीटर कितना इंसर्ट करना है वो पूछा जाएगा, थर्मामीटर साफ कैसे करना है, टेम्परेचर लेने से पहले टेम्परेचर लेने के बाद कैसे करना है, इस टाइप का फीवर आ रहा है, उस टाइप के फीवर को अपन क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट फीवर आ गया, अपन इंटरमीडिएट फीवर कौन सी बीमारी का देखने को मिलता है, तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछा सकता है, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन हो रखा है या ये इस टाइप का ब्लड प्रेशर हो रखा है, तो उसके अंदर जो है वो किस कौन सा ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर होगा वो अपने को चूज करना है। तो नॉर्मल वाइटल साइन उनके हर एक की नॉर्मल वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। अगर बात करें अपन वाइटल साइन के अलावा ऑक्सीजनेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीजनेशन पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऑक्सीजन पे क्वेश्चन आता है कि अपने को हर एक टाइप का मास्क जो है, जिस जो इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू अपन ऑक्सीजन डिलीवर करवाते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर करवाने के मीन्स जितने भी नेजल कैनुला है, तो नेजल कैनुला कितने लीटर ऑक्सीजन पर मिनट प्रोवाइड करवाता है, वेंचुरी मास्क है तो वेंचुरी मास्क के अंदर भी कलर कोडिंग अलग अलग होती है, तो कलर कोडिंग मोस्टली एडल्ट के अंदर रेड कलर का काम में लिया जाता है, फिक्स अमाउंट देने के लिए वेंचुरी मास्क काम मिलती है। ये चीज़ें जो है कंसेप्ट दिमाग में होनी चाहिए कि कौन से टाइप के वेंचुरी मास्क से या कौन से टाइप के फेस मास्क से या पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है उससे कितनी ऑक्सीजन एटलीस्ट अपन डिलीवर करवा सकते हैं, ऑक्सीजन का मेजरमेंट जो है वो कैसे करेंगे। इसके अलावा बात करें कि ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर सिलेंडर जो है, ऑक्सीजन के सिलेंडर जो होते हैं उनकी कलर कोडिंग पूछ जाती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उनका कलर कैसा होता है, या बात करें नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसके सिलेंडर होते हैं उनका कलर जो कलर कोडिंग कैसा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो अपने को याद रहने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएंगे? ऑक्सीजनेशन से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है दिमाग में रहने चाहिए, ऑक्सीजनेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन जो हैं अपन एटलीस्ट रिपीट करें, ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार पूछ जाते हैं, उनका डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो हैं जनरली उठाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें और टॉपिक्स की, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, ऑक्सीजनेशन हो गया, वाइटल साइन हो गया, इसके अलावा बात करें फ्यूचर, ये वो टॉपिक हैं जो अपन कई बार पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, कौन से टाइप का ऑब्जर्वेबल सूचर है, कौन से टाइप का नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर, सिंपल सा क्वेश्चन आता है वन लाइनर, फॉलोइंग में से कौन सा सूचर ऑब्जर्वेबल है, कौन सा सूचर नॉन ऑब्जर्वेबल है, और अपन उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन, टाइम इतना ही है कि छोटे क्वेश्चन तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो औरों के सही हो रहे हैं अपने तो कतई गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अपने को कॉम्पिटिशन में वही क्वेश्चन जो है बाहर कर देते हैं। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन तो पूरी दुनिया सही कर रही है, आप भी सही करोगे, मैं भी सही करूँगा, बात यह कि 100 से ऊपर अपने कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो अपने को कंपटीशन में या एग्जाम फाइट करने लायक बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो कतई गलत होने नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग सब लोग पढ़ते हैं। सूचर अपने को बहुत एक सिंपल टॉपिक लगता है, सिंपल सा टॉपिक सूचर तो आ रहा है, बट अपन मिस कर देते हैं कि कौन सा सूचर जो है वो ऑब्जर्वेबल है, कौन सा सूचर जो है वो नॉन ऑब्जर्वेबल है, तो अपने को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट और टॉपिक की बात करें, इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपसे अपन डिस्कस जरूर करेंगे। इम्यूनाइजेशन का आने वाले क्वेश्चन, प्रोग्राम कब दिया गया था, कौन कौन से प्रोग्राम अभी तक इम्यूनाइजेशन के ऊपर दिए गए हैं, इसके अलावा बात करें कौन कौन सा वैक्सीन कब कब लगता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सा लगता है, लाइव वैक्सीन कौन सा है, किल्ड वैक्सीन कौन सा है, या पर्टिकुलर वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना है, कौन से रूट से लगना है, कितनी डोज लगनी है,
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपन छोड़ देते हैं इम्यूनाइजेशन पढ़ते पढ़ते, वो इम्यूनाइजेशन का ही पार्ट है कि बीसीजी वैक्सीन अगर लगा रहे हैं तो बीसीजी वैक्सीन को किसके साथ मिक्सअप करके लगाना है, जैसे नॉर्मल स्लाइन के साथ मिक्सअप करके लगाना है। इसके अलावा बात करें अगर मिक्स कर दिया तो उसको कब तक स्टोर करके रख सकते हैं, कब उसको डिस्कार्ड करना है। पोलियो की वैक्सीन के ऊपर VVM जो आता है उसका कलर जब सेम हो जाता है तब उनको डिस्कार्ड करनी होती है। अगर कलर सेम हो गया, डिस्कार्ड कर दिया, या जो अपने पास वायल खाली बची है उस वायल का अपन क्या करेंगे, तो उसको जाके वहाँ जमा करवाना होता है जो भी इम्यूनाइजेशन सेंटर होता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को क्लियरिफाई होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम कब दिया गया था, कौन सा वैक्सीन किस रूट से कितने अमाउंट के अंदर लगता है, कौन कौन सा लाइव वैक्सीन है, कौन कौन सा किल्ड वैक्सीन है, इसके अलावा कौन से वैक्सीन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके रखते हैं, और ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जिसको किसके साथ अपन मिक्स करेंगे, यानी किसको नॉर्मल सेल के साथ, किसको स्टेरल वाटर के साथ। ये सारी चीज़ें इम्यूनाइजेशन से जो है वो पूछी जाती हैं। तो ये जो है वो क्लियरिफाई होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन से क्या पूछा जाएगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ये कम्युनिटी के अंदर टॉपिक है। इसके अलावा कम्युनिटी की बात करें और टॉपिक्स की, तो कॉन्ट्रासेप्शन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ट्रासेप्शन भी बार बार पूछे गए, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है, सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट किसका है। फॉर एग्जाम्पल ये दीदी का IUD का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है, रिपीटिटी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो रटा रटा है कि ब्लीडिंग होता है, बट हो सकता है कि IUD के अलावा किसी और चीज़ का पूछ लिया जाए, किस कॉन्ट्रासेप्शन की कितनी फेल्योर रेट है। अगर अपन केमिकल जो है कोई टेबलेट अगर ओरल OCP दे रहे हैं तो कौन सी OCP का कौन सा साइड इफेक्ट है, यानी वो कौन से ऑर्गन का कैंसर कोज कर सकती है, कौन सी ड्रग ओवरी का कैंसर कोज करेगी, कौन सी ड्रग जो है वो यूट्रस का कैंसर कोज कर सकती है, ब्रेस्ट का कैंसर कोज कर सकती है, किसके अंदर एस्ट्रोजन होता है, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइसेस होती हैं, तो वो सारे कॉन्ट्रासेप्शन के पार्ट हैं। तो वो अपने को क्लियरिफाई होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपन अच्छे से पढ़ें, किसकी कितनी फेल्योर रेट है, कौन सा केमिकल होता है, कौन सा फिजिकली बैरियर होता है, ये अपने को याद होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। इसके अलावा बात करें कुछ पीडियाट्रिक के टॉपिक की, तो पीडियाट्रिक के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्स। न्यू बोर्न के अंदर रिफ्लेक्स पूछे जाएंगे, इन्फेंट के अंदर पूछे जाएंगे, कौन सा रिफ्लेक्स कब अपीयर होता है, कब डिसअपीयर होता है, या उस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स की डेफिनेशन दे दी कि ये कौन से टाइप का रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्स अपने को याद होने चाहिए, अपन रिफ्लेक्स पे क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। तो रिफ्लेक्स कब अपीयर होते हैं, कब डिसअपीयर होते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बात करें जाए तो माइलस्टोन की, पीडियाट्रिक के अंदर माइलस्टोन काफ़ी पूछे जाते हैं। माइलस्टोन के अंदर बात करें तो मींस अपने को याद होना चाहिए कि वेट कितना होता है, बच्चे की हाइट कितनी होती है, कब वो डबल होती है, कब वो ट्रिपल होती है, कौन सा वैक्सीन की बात करें तो कौन सा वैक्सीन जो है कब लगाया था, कितना आर्म सरकमफेरेंस होता है, चेस्ट सरकमफेरेंस होता है, हेड सरकमफेरेंस कितना होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने को याद होनी चाहिए। तो वो चीज़ें जो हैं वो अपने को अपन जो है इम्पोर्टेंट है, बार बार ये चीज़ें भी एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। डिजीज कंडीशन की बात करें तो GI के डिसऑर्डर हो गए, जैसे हिंसबर्ग डिजीज़ है, इंटू ससेप्शन डिजीज़ है, ये बार बार पूछ जाती हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, हाइड्रोसिफिलस के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, स्पाइनल बायोफिडा के ऊपर बार बार क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये सारे किसी चीज़ नॉर्मल जो साइन होते हैं, जो बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन साइन देखने को मिलते हैं, वो साइन अपने को जो है वो रिमेंबर कर लेना है, एक बार उनको रिवाइज कर लेना है। तो ये चीज़ें जो हैं बार बार पीडियाट्रिक से अपने को बार बार पूछी जाती है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे के सारे जो अपने को एक बार एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर रिवाइज कर लेने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली आते हैं ट्यूब्स के ऊपर। अब वो ट्यूब्स कैसी है, वो ET ट्यूब हो सकती है, वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हो सकती है, वो NG ट्यूब हो सकती है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज लगा हुआ हो सकता है, हो सकता है कि आपको डायग्राम देखे पूछा जाए, या आपके इनके नंबर पूछे जाएं, कौन से नंबर के ट्यूब अडल्ट में लगाते हैं, कौन से नंबर के ट्यूब जो है बच्चों में लगाते हैं। तो कैसी भी ट्यूब है मोस्टली ET ट्यूब के ऊपर, TT ट्यूब के ऊपर, NG ट्यूब के ऊपर, इन ट्यूब्स के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्यूब के अंदर अगर इन्वॉल्व करें तो अपन कैथेटर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैथेटर जो है कितने नंबर का किसके अंदर लगता है, कितना उसको इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्यूब के नंबर या ट्यूब जो है कितने नंबर की लग सकती है, किसी भी एज के अकॉर्डिंग
क्या उसका फंक्शन होता है, पर्टिकुलर डायग्राम भी दे दिया, डायग्राम के बाद भी अगर पूछा गया कैथेटर हो सकता है कि फोलिस कैथेटर हो, नेजल कैथेटर पूछा गया है, कोई भी कैथेटर जो है वो पूछा सकता है, इंट्रा ड्रेनेज के लिए जो है वो भी कोई कैथेटर लगा है, कोई संट के अंदर कैथेटर लगा है, तो कोई भी किसी भी टाइप के कैथेटर का टाइप अपन से पूछ सकते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और डेफिनेटली कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकते। 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर तो कोई भी नहीं बना के दे सकता एग्जाम आने से पहले, बट ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 70-80 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जनरली बार बार पूछे जाते हैं। कुछ अगर डिजीज कंडीशन की बात करें कि कौन सी डिजीज कंडीशन से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसके अलावा बात करें स्ट्रोक है या एमआई है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो एमआई से आएगा या स्ट्रोक से आएगा, तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछ जाएंगे। इसके अलावा बर्न है, तो बर्न से एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप बर्न के ऊपर अगला क्वेश्चन जो है कैसे भी घुमा के दे सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि स्टार्टिंग के 24 या 48 घंटे हैं उसके अंदर सबसे मोस्ट मेजरमेंट क्या है, तो अपने को याद होना चाहिए टाइमिंग देखना अपने को कब पूछ रहा है, 24 घंटे से पहले पूछ रहा है तो चांसेस इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से पेशेंट के जान जाने के रहते हैं, 72 घंटे बाद पूछ रहा है तो पेशेंट अगर मरेगा तो इन्फेक्शन की वजह से मरेगा, अपने को याद रहना है। इसके अलावा पेशेंट का बर्न सरफेस एरिया कौन सा रूल जो होता है, रूल ऑफ नाइन है, रूल ऑफ नाइन के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है, आपको पर्टिकुलर इमेज दे दी जाएगी, उस इमेज के बेसिस के ऊपर भी आपसे पूछा जाएगा कि कितना बर्न एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है बर्न हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर आपको ये भी दिया जाता है कि उसके अंदर फ्लूड की रिक्वायरमेंट कितनी है, फ्लूड की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है, और उस फॉर्मूले से फ्लूड अगर निकाल लिया अपन ने, फॉर एग्जाम्पल किसी को 2000 ml फ्लूड देना है टोटल उस बर्न सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो फ्लूड कैसे एडमिनिस्टर करवाना है, तो अपने को पता रहना चाहिए कि स्टार्टिंग के 8 घंटे अपन आधा देंगे, स्टार्टिंग जो नेक्स्ट 16 आवर्स है उसके अंदर भी हाफ हाफ देंगे, तो अपने को पता होना चाहिए कितना ml फ्लूड निकला है, कौन से फॉर्मूले से अपन निकाला है, फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा फ्लूड जनरली देते हैं, कौन सा नहीं देते हैं, प्रायोरिटी क्या है बर्न के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बर्न से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लगभग 99% केसेस के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं का एनालिसिस करते हुए ये जो टॉपिक्स हैं ये बनाए गए हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें अपन साइकेट्रिक की, साइकेट्रिक के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, साइकेट्रिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के अंदर आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे साइकोलॉजी मान लो आप, साइकोलॉजी या साइकेट्रिक के अंदर वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म सारी अपने को क्लियर होनी चाहिए, कोई भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में क्वेश्चन जो है पक्का आएगा, इनके अलावा क्वेश्चन जो है नहीं बन सकता मोस्ट ऑफ। इसके अलावा बात करें अपन साइन एंड सिम्टम की, साइन एंड सिम्टम पे क्वेश्चन आते हैं, साइन एंड सिम्टम पे क्वेश्चन आ गया, कन्फाबुलेशन क्या होता है, डेजायु क्या होता है, जेम्सायु क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, कितने टाइप के डिल्यूजन होते हैं, कौन से टाइप का डिल्यूजन कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन कितने टाइप के होते हैं, कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा होता है, अल्कोहल के पेशेंट में कौन सा हेलुसिनेशन होता है, कोई कोडीन का इंटेक कर रहा है हेलुसिनेशन कौन सा होता है, तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइन सिम्टम के बेसिस के ऊपर जो साइकेट्रिक से बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक के प्रोग्राम कौन सा, मेंटल हैक कब दिया गया, लोनेटिक एक्ट जो है वो कब दिया गया, ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आते हैं साइकोथेरेपी से, साइकोथेरेपी मीन्स कैसे भी साइकोथेरेपी मान लो, चाहे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की आ रही है, कोई भी साइकोथेरेपी दी जा रही है, साइकोफार्मेकोलॉजी दी जा रही है, कैसे भी, ये तो ड्रग के ऊपर क्वेश्चन या थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन, कौन सी अब्रिएक्शन थेरेपी कब देनी है, अब्रिएक्शन थेरेपी का मतलब क्या होता है, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो कब करना है, किस केस कौन सा पर्टिकुलर से ओसीडी है तो उसके अंदर कौन सी साइकोथेरेपी देंगे, या ओसीडी हो रहा है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, कैसे भी क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं पर साइकोथेरेपी से एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट साइकोथेरेपी या साइकोफार्मेकोलॉजी। इसके अलावा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं ECT से, दो चीज़ें ECT और ECG दोनों से क्वेश्चन आएंगे। ECT के ऊपर कौन सी ड्रग अपने को बिफोर द सिटी देनी है, कौन कौन से चीज़ें नर्स को ड्यूरिंग द सिटी, बिफोर द सिटी और आफ्टर द सिटी ध्यान में रखनी है। ECG की बात करें तो ECG के ऊपर या तो सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो रखा है, ये इंटरवल वाइड हो रखा है, यहाँ स्पाइक्स आ रखे हैं, यू वेव आ रखे हैं, तो डायग्नोज करो कि कौन सी चीज़ें, या
ईसीजी से हार्ट रेट निकालना कि ईसीजी से हार्ट रेट जो है वो कैसे निकलेंगी, तो अपने को पता होना चाहिए कि लार्ज बॉक्स हैं उसको किससे डिवाइड करना है, स्मॉल बॉक्स हैं उनको किससे डिवाइड करना है। तो स्मॉल बॉक्स के नंबर को 1500 से डिवाइड करते हैं, लार्ज बॉक्स के नंबर को अपन 300 से डिवाइड करते हैं, वो आती जो हार्ट रेट ही होती है। तो वो फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि ईसीजी का डायग्राम दे दिया, डायग्राम देखे पूछा गया कि डायग्नोज करके बताओ चारों ऑप्शन में से ये ईसीजी कौन से पेशेंट की हो सकती है। तो जनरली क्वेश्चन आते हैं कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का आ गया, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का आ गया, साइनस ब्रेडीकार्डिया का आ गया, साइनस टेकीकार्डिया का आ गया। तो ये चीजें अपने को एक बार डायग्राम जो है क्लियरिफाई कर लेने। इसके अलावा ईसीजी कार्डिक मॉनिटर का डायग्राम दे दिया, कार्डिक मॉनिटर के डायग्राम के ऊपर ईसीजी चल रही है, वैसे पूछ लिया कि ये ईसीजी जो है इससे आप क्या डायग्नोज करोगे। तो ईसीजी के ऊपर, ईसीटी के ऊपर कितना वोल्ट करंट जो है वो देना है, या इसके अलावा डिफिब्रिलेशन का करंट पूछ सकते हैं कि डिफिब्रिलेशन ईसीटी से बाहर निकले तो डिफिब्रिलेशन जो है उसके अंदर कितने कितने किलो जूल का करंट जो है वो पास किया जाता है, किस केस में अपन डिफिब्रिलेशन पेशेंट को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ईसीटी से या ईसीजी से एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दोनों टॉपिक से जो है वो इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको ईसीजी के सारे क्वेश्चन, कौन कौन से सेगमेंट, कौन कौन से इंटरवल, हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, हाइपोकैल्शिमिया में, हाइपरकैल्शिमिया में क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने को दिमाग में रहनी चाहिए। इसके अलावा ईसीजी से हार्ट रेट निकालना अपने को आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये थी अपनी आज की एक छोटी सी क्लास, जिसके अंदर बार बार रिपीटेटिव एग्जाम के अंदर हुए जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आपकी क्लास, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो क्वेश्चंस आप पढ़ने की कोशिश करें। इतना टाइम नहीं है कि अपन ब्रॉड लेवल पे पढ़ें, एनक्लेस के क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करें। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मल वैल्यू, छोटे क्वेश्चन कतई गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस जो कंटिन्यूसली स्टडी कर रहा है, जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनके सबके सही होंगे। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो सबके सही होते हैं वो अगर अपन ने गलत कर दिए तो अपन कॉम्पिटिशन से ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, माइनस मार्किंग से बचना है। छोटे क्वेश्चन जो हैं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़े क्वेश्चन में साइकोलॉजी बनती है, क्वेश्चन बड़ा है, अपन कंसेंट्रेट भी ज़्यादा करते हैं, एक कंसेप्ट लगाते हैं, अगर कंसेप्ट माइंड में क्लियर है तो कंसेप्ट जो है मिस नहीं होता है, इसलिए वो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस कम है। बड़े क्वेश्चन हमेशा नर्सिंग प्रायोरिटी पे आते हैं, वैसे भी अपने कम होने, गलत होने के चांसेस कम है। हमेशा स्लिप अपन छोटे क्वेश्चन में होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम जो फोकस करना है छोटे स्मॉल क्वेश्चन के ऊपर। एक चीज़ काम और करना है, जितने भी नॉर्मल वैल्यू है किसी भी बॉडी फ्लूइड की, किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की, किसी भी बॉडी के नॉर्मल प्रेशर की, वो सारी की सारी वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। वैल्यू किसी भी फ्लूइड का, पीएच जो है वो कितना है, ये जनरल से चीज़ें जो हैं वो अपने को याद होनी चाहिए। इसके अलावा स्टरलाइजेशन जो अपन भूल गए हैं, स्टरलाइजेशन मीन्स कौन से इंस्ट्रूमेंट को किस मेथड से स्टरलाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कौन से टाइप के वेस्ट को किसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं तो उसका फिर फाइनल मैनेजमेंट क्या होता है, किसको जलाया जाता है, किसको रीयूज में लिया जाता है, ये सारी चीज़ें अपने को दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे डिजीज कंडीशन टॉपिक से बनते हैं, ये वही क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे, तो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सारे वीडियोस जो हैं, सारे क्वेश्चंस बेसिस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आप जरूर एक बार रिवाइव करें, एक बार जो भी गाइड आप पढ़ रहे हैं वहां से रिमेमोराइज करें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला आने वाले एग्जाम के अंदर ये टॉपिक्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।